नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खास दोस्त हैं और इसलिए वो उनकी सरकार से अपने लिए फेवर लेते हैं। तमाम बड़े विपक्षी नेता और मोदी सरकार के धुर विरोधी ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई तब से अडानी की संपत्ति में बेशुमार इजाफा हुआ और वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। आपने देखा ही होगा, राहुल गांधी जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि देश का ज़्यादातर पैसा दो बड़े पूंजीपतियों की जेब में है, जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसे तमाम आरोपों, मीडिया समूह NDTV के अधिग्रहण और अपनी सफलता पर बात करने के लिए देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानी ने बीते दिनों दो इंटरव्यू दिए। इन इंटरव्यूज में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में अडानी ने NDTV के अधिग्रहण और PM मोदी से खुद के रिश्तों को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि NDTV के मैनेजमेंट और एडिटोरियल डिपार्टमेंट के बीच एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा के साथ एक विश्वसनीय, स्वतंत्र और ग्लोबल नेटवर्क होगा। मैं जो कह रहा हूं उसके एक एक शब्द पर आप कभी न खत्म होने वाली बहस और व्याख्या कर सकते हैं, जैसा कि बहुतों ने किया भी है, लेकिन मेरी मूल बात यह है कि खीर का प्रमाण उसे खाने के बाद ही पता चल सकता है, इसलिए हमें जज करने से पहले कुछ समय जरूर दीजिए। वहीं इस इंटरव्यू में PM मोदी के साथ खुद की सफलता को जोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नैरेटिव मेरे खिलाफ फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप निराधार हैं और शॉर्ट टर्म लेंस के जरिए हमारे समूह की सफलता को देखते हुए पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। जबकि सच तो ये है कि मेरी प्रोफेशनल सफलता किसी एक नेता के कारण नहीं है, बल्कि 3 दशकों से ज़्यादा की लंबी अवधि के दौरान कई नेताओं और सरकारों के किए गए नीतिगत और संस्थागत सुधारों की बदौलत है। इसके अलावा अडानी ने NDTV के आपकी अदालत शो में भी शिरकत की। यहां जब उनसे ये पूछा गया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको उनसे क्या मदद मिली, तो इस सवाल के जवाब में अडानी ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन में 3 बड़े ब्रेक आज तक मिले हैं। इनमें उन्होंने राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। अडानी ने कहा कि इन सभी के द्वारा लागू की गई नीतियों से अडानी ग्रुप को डेवलप होने में मदद मिली। अडानी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जब 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उस समय उनका एक अच्छा अनुभव रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी से आप कोई व्यक्तिगत सहायता नहीं ले सकते। आप उनसे नीति विषयक बात कर सकते हैं, आप देश हित के बारे में उनसे चर्चा कर सकते हैं। जो पॉलिसी बनती है वो सभी के लिए होती है, वो अकेले अडानी ग्रुप के लिए नहीं बनती। अडानी का कहना था कि हमारे ग्रुप के प्रोजेक्ट्स देश के 22 अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं और इन सभी में BJP की सरकार नहीं है। गौतम अडानी ने इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि उनकी संपत्ति इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाती है, क्या उनके पास पैसा बढ़ाने का कोई राज है, तो इस पर अडानी ने बताया कि उनका एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत और केवल मेहनत। वो मेहनत पर भरोसा करते हैं। अडानी ने कार्यक्रम में अपने ग्रुप को मिले बैंक कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मुंद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ के नशीले पदार्थों की बरामदगी के साथ ही कृषि कानूनों के बारे में भी विस्तार से बातें की। अडानी ने वो किस्सा भी बताया जब मुंबई हमलों के दौरान वो ताज होटल में फंस गए थे। उन्होंने बताया कि कैसे होटल स्टाफ ने उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और फिर कमांडोज ने उन्हें वहां से बाहर निकाला था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। गौतम अडानी के इंटरव्यूज में दिए गए इन जवाबों पर आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।